दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि TrueCrypt सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आपको गूगल से मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर उतना सिक्योर नहीं है जितना कि TrueCrypt है। मैं TrueCrypt सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। जैसे भी आप इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ ड्राइव्स नज़र आएंगी। आप उनमें से सबसे पहले ड्राइव सेलेक्ट कीजिए और फिर क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए। आपको तीन ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप एक खास कंटेनर बना लेंगे एक किसी अपनी मर्जी की ड्राइव में, ओके। और जो दूसरा आप अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो है वो कुछ एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि फ्लैश ड्राइव होती है या कोई एक्सटर्नल ड्राइव है, आप इससे उसको लॉक कर सकेंगे। और अगर आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है एक पूरी अपनी इंटरनल जो ड्राइव होगी आप उसको लॉक कर पाएंगे। मैं आपको सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उससे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको एक कंटेनर बना के बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। इस पर रख के आप नेक्स्ट कीजिए। आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगी। पहला ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड TrueCrypt वॉल्यूम और दूसरा होगा हिडन TrueCrypt वॉल्यूम। अगर आप वो हिडन TrueCrypt वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे तो वो एक कंटेनर जो है वो हाइड रहेगा, और जब तक आप इसको ओपन सॉफ्टवेयर ये साथ में ओपन करके रखेंगे तो तब वो विजिबल होगा। लेकिन आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड TrueCrypt वॉल्यूम यूज़ करें और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ आपने वो पाथ बताना है। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आऊँगा यहाँ सेलेक्ट फाइल और माय कंप्यूटर में मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो तो दो ड्राइव में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जी ड्राइव में फाइल फाइल नेम सेव करूँ, जैसे कि मैं रॉयल टाइप कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ इंक्रिप्शन टाइप्स आएंगी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होने वाली है वो AES है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ रही है, बॉक्स में आ रही है। वहाँ से आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप जो है वो वॉल्यूम साइज सेलेक्ट करेंगे, जो कि KBs में भी हो सकता है, MBB में हो सकता है और GB में भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ 10 GB एलोकेट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट किया। अब मुझे यहाँ जो है वो पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, जो कि सिंपल ना हो, जिसमें जो है वो सिंबल भी यूज़ हों, लेटर्स भी यूज़ हों और नंबर भी यूज़ हों। तो मैं आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं जिस तरह अभी कर रहा हूँ वो ज़रा देखिए कि सबसे पहले मैं स्टार टाइप किया, फिर मैंने हैश टाइप किया, मैं यहाँ पाकिस्तान टाइप करता हूँ, फिर 1 2 3, उसके बाद मैं हैश टाइप करता हूँ। मैं पासवर्ड रिपीट करूँगा, स्टार हैश पाकिस्तान 1 2 3, और यहाँ मैंने इसे नेक्स्ट किया। तो यहाँ आपने यस करने के बाद इसको इग्नोर कर दें और बस यहाँ यस कर दें। मैं यहाँ फॉर लार्ज फाइल यस करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, इस बॉक्स में अगर आप डायनेमिक सेलेक्ट करते हैं, अगर आप डायनेमिक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ यस करें, तो इससे ये होगा कि वो जो जो 10 GB मैंने एलोकेट की है, अगर आप उसमें 11 GB का डाटा कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो कि उसी ड्राइव में से 1 GB शेयर करके उसी उस कंटेनर को दे देगा। तो मैं यहाँ इसको फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। ये वही 10 GB सिर्फ वो फॉर्मेट होगा, इससे आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा।
यहाँ ये थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन व्हाट साइज वी हैव सेलेक्टेड। 10, अब जो 10 GB सेलेक्ट किया उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। नॉर्मली ये 40 to 45 सेकेंड में हो जाना चाहिए। ये हो चुका है, आपने यहाँ ओके करना है, फिर से ओके, और यहाँ से आपने एग्जिट हो जाना है। अब आप ये ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपने सेलेक्ट फाइल करनी है, और जहाँ जिस नाम से मैंने ट्रायल के नाम से सेव किया था, अभी आपने वो पाथ देना है ट्रायल, और अभी आपने यहाँ माउंट पे क्लिक करना है। माउंट करने के बाद आपने वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने इसमें सेलेक्ट किया, जैसे मैंने स्टार हैश पाकिस्तान 1 2 3 एंड हैश ओके। सो ये माउंट हो चुकी है। अब आप माई कंप्यूटर में आके जब देखेंगे तो आपको एक ड्राइव नजर आएगी जो लोकल डिस्क एच के नाम से होगी। तो अभी आपने इसमें अपना जो है वो डेटा जो है वो पर्सनल डेटा जो भी है वो आपने इसमें कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद इसको अनमाउंट कर देना है डिसमाउंट। तो ये इतना ही काम है। वो एक्चुअली वो कंटेनर बनाने का मकसद क्या है कि अगर वो कंटेनर आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव में कहीं ले जाके यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो कहीं कोई अगर उसको कहीं वो कंटेनर अगर मिसप्लेस भी हो जाता है तो वो उसके लिए वो जब वो कोई कोई भी बंदा खोलना चाहेगा, जो भी आपका डेटा जो है वो हैक करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले वो पासवर्ड टाइप करना होगा जो ओके आपने सेलेक्ट किया था। तो यही यही सब कुछ इसमें है। और ये बहुत से क्या और है, आप फोल्डर गार्ड भी यूज करें, आप जो दूसरे सॉफ्टवेयर है और भी बहुत से सॉफ्टवेयर है आप जो जाएंगे वो यूज करें उनको। अगर अगर किसी को आपका पीसी ओपन मिलता है या अगर किसी को आपका पीसी ओपन नहीं भी मिलता, तो आजकल हैकिंग इतनी इजी हो चुकी है कि कोई भी बंदा जो है वो कुछ कमांड के साथ किसी का पीसी यूज कर सकता है अगर उसमें कोई प्रॉपर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल, तो जो है वो इजीली अनइंस्टॉल हो जाते हैं। फोल्डर गार्ड वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इजीली अनइंस्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन के टाइम जो है वो पासवर्ड लेते नहीं हैं जो आपने फोल्डर गार्ड पे लगाया होता है। तो उस वजह से ये ट्रूकॉलर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। बस यही कुछ था जो मैंने आपको बताना था ट्रूकॉलर सॉफ्टवेयर के बारे में। दैट्स इट।